हेलो फ्रेंड्स, आज हम धनिया का रायता बनाएंगे। उसके लिए हमने ये हरा धनिया अच्छे से साफ करके धो लिया है और ये 4 से 5 लहसुन की कलियां ले ली हैं और ये छोटा सा पीस अदरक का ले लिया है। अब हम इसको अदरक और लहसुन का पेस्ट बना लेंगे और धनिया को बारीक काट के मिक्सी में पीस लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये हमने धनिया को अच्छे से पीस लिया है और ये अदरक और लहसुन का पेस्ट बना लिया है और ये मैंने कढ़ाई में पैन में घी गरम करने के लिए रख दिया है। इसमें हम तड़का लगाएंगे। देखिए, उसके लिए मैंने ये इसमें थोड़ा सा हिंग पाउडर डाल दिया है। इसमें हम जीरा नहीं डालेंगे क्योंकि जीरा हम भुना हुआ ही डालेंगे, उससे रायते में और भी ज्यादा टेस्ट आ जाता है। देखिए, इनको अच्छे से भुनने देंगे, उसके बाद हम इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये हींग भुन के तैयार हो गई है और हम इसमें अब लहसुन और अदरक का पेस्ट बनाकर डाल देंगे। इसको थोड़ा सा भून लेंगे, इसमें रायते के लिए तड़का बन के तैयार हो जाएगा। देखिए, इसको अच्छे से ब्राउन होने तक पका देंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने इसमें धनिया और लस्सी को अच्छे से मिक्स कर लिया है। देखिए, और अब हम इसमें ये जो हमने तड़का बनाया था वो अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। इसमें हम ये नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार और भुना हुआ जीरा डाल देंगे। ये भुना हुआ जीरा डाल देंगे और इसमें हम रायते का मसाला डाल देंगे। ये रायते का मसाला डाल देंगे, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए, ये रायता बनके तैयार है। देखिए फ्रेंड्स, ये धनिया का रायता बनके तैयार है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय। देखिए, ये रायता बहुत ही टेस्टी बनके तैयार है। गर्मियों में बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है।